हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जब भी हमें जोरों से भूख लगी होती है और कुछ अच्छा खाने का मन करता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है मैगी। जी हाँ, मैगी। तो चलिए आज हम लोग बनाते हैं मैगी की एक नई रेसिपी जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में तो मत पूछिए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो हमें करना क्या है कि एक कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे बटर, और बटर जब मेल्ट हो जाए तो फिर इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई लहसुन, और लहसुन को हमें हल्का सा भून लेना है। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही साथ यहाँ पर हम डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। प्याज डालकर इसे हम एक मिनट तक भून लेंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे गाजर, इसे भी हम एकदम बारीक काट लेंगे, और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च, थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे, और यहाँ पर आप चाहें तो अपनी पसंद की और भी सब्जियाँ इसमें डाल सकते हैं, जैसे आप यहाँ बीन्स डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, फूल गोभी डाल सकते हैं। तो गाजर और शिमला मिर्च को हल्का सा भून लेने के बाद यहाँ पर हम मिला देंगे टमाटर, और फिर इसमें हम डाल देंगे मैगी का टेस्ट मेकर। मैं यहाँ पर दो पैकेट मैगी बना रही हूँ तो दोनों पैकेट टेस्ट मेकर को हम डाल देंगे, और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे बॉयल की हुई मैगी। तो मैगी को बॉयल करने के बाद इसका जो पानी था उसे हम फेंक दिए थे। मैगी डालकर इसको हम थोड़ी देर तक भूनेंगे, और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा सोया सॉस, इसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा टमाटर सॉस, और सॉस को मिलाकर मैगी को हम थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैगी जो है वो एकदम अच्छे से भुन गई है। तो इसके बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे, और इसमें हम रखेंगे चीज़ स्लाइस, इसको हम तोड़कर जगह जगह पर रख देंगे, और इसके ऊपर से इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, और फिर इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। और लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही टेस्टी एकदम मसालेदार तीखी चटपटी मैगी बनकर तैयार हो गई है, जिसमें सब्जियां भी हैं, मसाले हैं, चीज़ है। ये मैगी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप एक बार तो इस तरीके से मैगी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।